सुभान अल्लाह, आप पाकिस्तानी हैं? बिल्कुल सही पहचाना जनाब आपने, पिछले एशियन गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट मुफ्ती मोहम्मद हैं। हम हिंदुस्तानियों में पहचानने की सबसे बड़ी आदत है कि जिसे हम ठीक से पहचान लेते हैं, जान लेते हैं और जिसे नजरों पे चढ़ा लेते हैं ना, वो दोबारा कहीं नजर नहीं आता। हम धमकियों पर नहीं, धमाकों पर एतबार करते हैं जनाब। अरे मियां, एतबार ही करना है ना तो इंसानियत पे करो। धमाकों और मजहब में मुल्क का नहीं, इंसानों के चित्रे उठते हैं। क्या करें, जीतने का नशा है हम में। इस बार आपका नशा उतर जाएगा, अब कौवे की तरह काव काव करना बंद करिए, जाइए अपना काम करिए। सुन भैया बंग, हम कौवा नहीं बास हैं। गोल्ड मेडल यानी तेरे देश की सोने की चिड़िया हम अपने पैरों में दबोच कर ले जाएंगे। अंग्रेजों के कचड़े में फेंके हुए सपने तुम लोग देखने लगे, मत देखो वरना अंधे हो जाओगे। अरे अंग्रेजों की औकात नहीं हुई हमारी सोने की चिड़िया ले जाने की, तो तुम तो किसी लायक नहीं हो, और तुम्हारी हैसियत नहीं है किसी हिंदुस्तानी के सामने से एक बाल तक उखाड़ने की। मैदान में उतर, हमारी कितनी हैसियत है और कितनी औकात है पता चल जाए। बताने की जरूरत नहीं है, अरे तुम तो के बारे में पूरी दुनिया जानती है। और सुन, हमारा भारत सोने का चिड़िया था, है और रहेगा, लेकिन तुम्हारा पाकिस्तान पहले दोगला था, आज मौगा हो गया है। अपनी जुबान को लगाम दे वरना। जुबान पे लगाम तो आपको लगाना है जनाब, मेरे हौसले तो भी लगाम है। हिंदुस्तान की तरफ से शिरकत कर रहे हैं खेसारी लाल यादव, विराट कुमार, पाकिस्तान की तरफ से पिछले बार के विजेता मुफ्ती मोहम्मद, साउथ कोरिया के जेंशु, मलेशिया की तरफ से अजीम मोहम्मद और जापान की तरफ से तोमियो रोली, श्रीलंका की तरफ से रिंसल डिसिल्वा, ये सभी अपने अपने देश के सर्वश्रेष्ठ धावक हैं। देखते हैं कि इस बार के एशियन गेम में कोई नया रिकॉर्ड बनता है, कोई नया धावक सामने आता है, कि पाकिस्तान के वही पुराने धावक मुफ्ती मोहम्मद विजेता बनते हैं। सारे खिलाड़ियों की नजर बाज की तरह गोल्ड मेडल के ऊपर है, कि देखना ये है कि इस बार का विजेता कौन होता है। सारे प्रतियोगी धावक मार्ग पे तैयार, बस चंद ही लम्हों में शुरू होने जा रहा है बहुत ही रोमांचक 100 मीटर हर्डल रेस। ऑन योर मार्क। सारे खिलाड़ियों ने अपना